हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जाहिर सी बात है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये नया एक ट्यूटोरियल है, एक ट्यूटोरियल का नाम है फ्लेयर। फ्लेयर आप कर चुके हैं, आपको बताएं, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चन आया है हाउ टू डू द फ्लेयर सेकंड राउंड। फ्लेयर की सेकंड राउंड की हेल्प चाहिए हमें। पहला राउंड काफ़ी ईजी होता है, आप सबको बताएं। जैसे हम सेकेंड राउंड में बढ़ते हैं तो बॉडी पीछे को नहीं जा पाती, इसलिए पैर आगे को आ ही नहीं पाते हैं हवा में, क्योंकि फ्लेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें तीन चीज़ें हम साथ साथ करते हैं। तीन चीज़ मीन्स मैं आपको बताता हूँ, तीन चीज़ का मतलब ये है, तीन चीज़ हम साथ साथ करते हैं। एक तो हम पैर चलाते हैं अपने, ठीक है, और हिप्स भी मूव कर रहे हैं और हाथ भी सेम टाइम पे चल रहे हैं। तीनों चीज़ सेम टाइम पे चलती है, इसलिए फ्लेयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फर्स्ट राउंड तो चलो निकल जाएगा, सेकंड राउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और सेकंड निकल गया फिर तो कंटिन्यू आप तीन चार राउंड निकाल लेंगे। तो ये जो ट्यूटोरियल है ये आपको एक हेल्प दे देगा, सेकंड राउंड का हैक है एक टाइप से, सेकंड राउंड करें कैसे आप, ठीक है। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, मैं अभी फ्लेयर आपको दिखाए 10 राउंड करके, तो आप भी कुछ दिनों में ऐसे ही 10 राउंड मार सकेंगे आराम से। बस ये है, सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना है आपको, ठीक है। तो देखो मैं एक राउंड ट्राई कर रहा हूँ, देखो किस टाइप से कर रहा हूँ, जिस टाइप से आप कर पाते होंगे, देखो इसी टाइप से आप एक राउंड मारते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, जब भी आप मारें सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर मीन्स पहले तो सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, वो बात एक अलग है। मेंटली प्रिपेयर मीन्स कि आपको समझ के करना है। जैसे मैं पैर उठाऊंगा, आप देखिए, जैसे मैं आगे से उठा रहा हूँ पैर को, उसके बाद वो पीछे से जाके नीचे लेता हूँ, और इसमें जल्दीबाजी ना करें, रुकते रहें, ठीक है, और बीच में अपना एक आधा स्टंट और मारते रहें, ठीक है। ये निगी मतलब लगे रहें जिससे वार्म अप रहे बॉडी में, इसके लिए वार्म अप बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। वार्म अप नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो वार्म अप सबसे ज़्यादा जरूरी है इस चीज़ के लिए। तो जैसे जैसे आप वार्म अप कर लेंगे, इधर उधर घूमेंगे, उसके बाद बॉडी गर्म हो जाएगी, तो बॉडी में एक अपने आप ही फ्लुएंट चीज आएगी, ठीक है। और बिल्कुल सोच समझ के करिए, जल्दी ना करिए इसमें। जैसा आप एक राउंड मार लेते हैं, उसके बाद जो आपका लेफ्ट लेग है उसको ऊपर को किक करना है। सारा मेंटली खेला है, मेंटली जितना समझोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। इसमें प्रैक्टिस का ही खेल है सारा, ठीक है, प्रैक्टिस और मेंटली। जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को पैर अपना ऊपर को किक करना है, जितना मैं ऊपर किक करूंगा तो नीचे वाला पैर उतनी फ्लुएंटली नीचे से निकल जाएगा हमारा, और अगर मैं ऊपर वाले को लेफ्ट वाले को ऊपर किक नहीं करूंगा तो नीचे वाला पैर निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए हाई किक करना है आपको, जितना ज्यादा हाई हो सके, ठीक है। और बॉडी को पूरा वार्म अप रखें, क्योंकि ठंड के दिन आपको पता है वैसे चल रहे हैं, चोट लग गई तो बहुत दर्द होगा, फिर मजा भी बहुत आएगा, ठीक है। इससे बढ़िया पहले वार्म अप करके रखें। जैसे मैं इधर घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, पूरा मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूँ मैं। अब ट्राई करेंगे, देखते हैं एक दो बार ट्राई करके किस टाइप से बॉडी में होता है। और लोअर पहने आप जहां तक कि हो सके, क्योंकि अगर आप मोटी चीज पहनेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। मैं भी 1 साल पहले करीब 1 या 2 ही फ्लेयर मारता था, फिर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस रखी, मेंटली प्रिपेयर हुआ, तब जाके हुआ। बाकी नेट पे बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तो यही तरीका मुझे बेस्ट लगा कि पहले ढंग सोच लो कि मुझे करना क्या है, उसके बाद प्रैक्टिस पे आओ। तो ट्राई करके देखेंगे करना किस स्टेप से है। लोग घूरे जा रहे हैं भाई पीछे से, चलिए ट्राई करते हैं, काफी देर जाएगी। तो जो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं करता हूं आपको पता है, वार्म अप चल रहा है, स्टेप्स। देखो मैंने बहुत देर घूमने के बाद राउंड मारे 2, लेकिन क्लियर लगे। आप एक राउंड में स्टेप्स रुक जाते हैं, देखो पीछे पैर फंस जाता है, तो पैरों को थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर की तरफ लाएं, फिर जोर से पूरी जान से करना है आपको, ठीक है। यही तरीका है मेनली करने का, बाकी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए ट्यूटोरियल है, ये बेसिक नहीं है। जिनको एक राउंड आता है उनके लिए ये समझ जाएंगे किस स्टेप से फोर्स से पैरों को मारना है, ठीक है। ये बेसिक वालों के लिए बिल्कुल नहीं है।